बहुत बड़ा चल रहा है और ये मैदान बहुत ही खूबसूरत हमारा ऐतिहासिक मैदान खानकेश्वर मैदान भेंडकल। हरी झंडी पहली गेंद। बिल्कुल हमारे गजानन दादा यहाँ उपस्थित है, उनको हम विनती करते कि आप ऊपर बैठिए। और पहली गेंद इस बीच देखा जाए लेकिन डीप मिड विकेट के ऊपर गेंद चली गई है। सिंगल के साथ खाता ओपन किया और पहला रन बहुत ही महत्वपूर्ण। जिंदगी की पहली चीज है, चाहे आपका पहला प्यार हो या पहला आपका क्लास हो, आपके लिए हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण है। रनों का सिलसिला जारी हुआ, इस बार पहला रन मिला है नीलेश पाटिल को, पहला रन विंधने टीम को। ओ हवा में, ओ एलिवेशन कम मिला, खिलाड़ी रास्ते में आए, कवर किया और बल्लेबाज शायद या सूरज पाटिल चले बिना खाता खोले ड्रेसिंग रूम में। सुंदर सा विषय सादर करता है, ऐका कविता शिंदे ऐकून घ्या। पोपट मैना पडतो गा, रस रसलेली तुझी जवानी माझ्या मनाला करते दिवानी। अग होऊन जाऊ दे इश्काची मेजवानी, कारण तू दिसतेस माझ्या अग बायको वाणी का प्यार। धन्यवाद। नए इस बार बल्लेबाज पहुंचे एक बार फिर से, परत एक बार दोबारा देखा तो सूरज पाटिल आए। केदार की इस बार तीसरी गेंद। ओह क्या गेंद फेंकी केदार की, ये बहुत ही सुंदर गेंद चकमा दिया, बल्लेबाज को शायद मिस किया। कोई रन इस गेंद के ऊपर, टॉस जीतने के बाद या आर एस कोटना का टीम पहले गेंदबाजी कर रहे, बढ़िया गेंदबाजी चल रहे, पहला पावर प्ले जारी है। इसी बीच पॉइंट शॉट कवर, पॉइंट शॉट कवर ऑफसाइड के ऊपर जरूर है। और ये जापीन, और इस बार देखा जाए क्या जश्न मनाने जा रहे खिलाड़ी, हर्ष उल्लास आया है मैदान के ऊपर, मानो दूसरा विकेट चला ड्रेसिंग रूम में। विंधने के बल्लेबाज शायद आए वापस बिना खाता खोले। सबसे किया नहीं जाता ये दिल हर एक को दी। ट्रॉफी 2020 का इस बार देखा जाए फाइनल की ये रात, और इस बार देखा जाए आज की इस बार देखा जाए ये शायद रात का अंतिम मुकाबला है।
बिल्कुल संदेश पाटिल साहब की तरफ से विकेट की हैट्रिक के लिए 3000 रुपए का इनाम आया है और अरुण सिंधे साहब इनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम। टोटल 3500 रुपए का इनाम है विकेट हैट्रिक के लिए। अगर गेंदबाज हैट्रिक पूरी कर सकते हैं तो 3500 रुपए मिल जाएंगे यकीनन। के साथ दूसरे गेंदबाज आए विक्रांत भोईर और इसमें हमारे मशहूर कमेंटर नौनाथ जी मात्रे उपस्थित है, मैच का आनंद ले रहे। अक्षय भोईर उनके साथीदार भी है। इस बीच विक्रांत की गेंद और इस बार गेंद बाहर जाती हुई वाइट का इशारा आया। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर जाता है 4 के घर में। अब कुछ ना कुछ दरवाजा ओपन करना चाहिए, दस्तक देना चाहिए, तब मजा होगा। क्योंकि यह खेमा थोड़ा सा निराश है विंधने के अंदर। और इस बार देखिए पीछे प्रोडक्शन है, जब तक सिंगल मिलेगी और सिंगल के साथ स्कोर जाता है यहाँ 5 के घर में। और बल्लेबाज लगभग देखा जाए शायद सूरज पाटिल और आकाश पाटिल। सूरज पाटिल व्यक्तिगत 2 रन पे खेल रहे, आकाश पाटिल 1 रन पे खेल रहे। कुल मिला के देखा जाए स्कोर है 5 के घर में। दूसरा ओवर जारी है। विक्रांत भोईर की इस बार दूसरी गेंद। साई कप्तान और दारावे कप्तान आपको विनती है कि आप आए तो हमारे कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए। और यहां लगभग देखा दिशा से भटकती हुई गेंद, ज्यादा गेंद बाहर गई, आउटसाइड ऑप्टम गेंद है। और ज्यादा बाहर जाने के बाद अंपायर साहब संदीप पाटिल साहब जी ने इशारा दिया वाइट का और इस एक रन के साथ स्कोर जाता 6 के घर में। नष्ट इस बार स्क्वेयर लेग अंपायर है। और ये बॉडी के ऊपर टकरा गई, अपील की थी। अपील देखो विकेट कीपर ने की, लेकिन बॉलर ने इस बार देखा जाए तो अपील में कुछ बॉलर के पास गुस्सा ही नहीं था। और जो इस बार पिचिंग जो हुई है वो थोड़ी सिलेक्शन के बाहर हुई है, यहां से भी दिख रहा है। लेकिन इस बीच ये गेंद डॉट चली गई। और इस बार शॉट थर्ड बैंड के क्षेत्र में सिंगल चुराई और सिंगल के साथ एक बार फिर से स्कोर जाता है मरोई विंधने टीम का 7 के घर। 7 पे इसका स्कोर जा चुका है। 2 विकेट तो मैदान से बाहर गए। अब बल्लेबाज मुझे लग रहा है कि शायद कोई जोखिम नहीं उठा रहे और ऐसे हालात में शायद जोखिम उठाना चाहिए क्योंकि 24 गेंदों का खेल है और जब तक इस मैदान के ऊपर छक्के चौके नहीं आते तब तक के लिए खेमा शांत है। बोर्ड के ऊपर रनों का इस बार देखा गति है, वो कछुआ के मंद गति का स्कोर चल रहा है। और क्या बॉल फेंकी है, देखिए एक बार फिर से तालियों की गड़गड़ाहट इस गेंदबाज के लिए। बेहतरीन गेंद फेंकी है। इस बार देखा जाए टर्न हो रही है गेंद, टप्पा पड़ने के बाद बल्लेबाज को यह ऐसा लग रहा है कि गेंद शायद बल्ले के ऊपर आएगी, लेकिन गेंद इस बार देखा जाए थोड़ी सी बाहर जाती है। कटर हो रही गेंद इस बार देखा जाए, इस गेंद के ऊपर लगभग देखा जाए कोई रन नहीं। और आवाज आया इस बार देखा जाए लॉन्ग ऑन खिलाड़ी गेंद को उड़ाने जा रहे। बढ़िया से क्षण देखिए, तारीफ करना पड़ेगी इस बार कोटनाका की फील्डर होगी। 3 गेंदे अगर डॉट जा सकते तो 500 रुपए का इनाम है। अरुण शिंदे साहब 3 गेंदे लगातार डॉट तो मुझे लग रहा है अंतिम गेंद शेष है अगले ओवर के लिए। और ये जरूर शॉट जोर से खेलने का प्रयास किया है लेकिन जा गेंद को उठाने जा रहे हैं डीप मिडविकेट खिलाड़ी। जब तक के लिए इसी बीच लगभग देखा जाए शायद सिंगल मिली, ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 2 ओवर की समाप्ति के बाद मरवाई विंधने टीम का स्कोर पहुंचा है 9 के घर में 2 विकेट के नुकसान पे। बची हुई 12 गेंदों का खेल बाकी है, तब तक सुनते सुमधुर संगीत।
मास्टर। तीसरे गेंदबाज एक बार फिर से तेजेश हो ही रहे हैं अपने कोटे की पहली पारी की है तीसरी ओवर लेके। मरवाई विंधने टीम का स्कोर दो ओवर के समाप्ति के बाद 9 पे जा चुका है, 2 विकेट के नुकसान पे। बहुत ही धीमा गति का स्कोर चल रहा है और अब मैदान के ऊपर तोड़फोड़ करना है तो बल्लेबाजों को अब हथियारों को धार देना ही पड़ेगा। लेकिन इस बार स्पिनर आए गेंदबाज तेजेश और ये गई, ये हवा से बाहर गई है। इस बार देखा जाए और इस बार देखा जाए छक्का या ठोक। काय ते गाडी समजलं पण नाही काय। और ये एक बार फिर से ठीक आहे। साहब इनके तरफ से छक्कों के हैट्रिक के लिए 1000 रुपए का इनाम आया है। हम यहां से एक बार देखिए, 2 छक्के बैठने के बाद मुझे लग रहा है आप इतने इकट्ठा मत होजिए, क्योंकि क्या 2 ओवर के अंदर आपने उन्हें खामोश रखा था, अब उनकी बारी है। ये क्रिकेट में ऐसा ही होता रहता है दोस्तों। 21 स्कोर पहुंचा है। इस बार लय में आए बल्लेबाज आकाश पाड़ी और ये इस बार हुकुम के स्पिनर इनके ऊपर अटैक हुआ है। दस गेंदों का खेल बाकी, इस ओवर की 4 गेंदे। तेजेश भेंडखल एंड से गेंदबाजी और द विकेट और एक बार फिर से हवा में गेंद और इस बार पकड़ लिया। वहां फील्डर उपस्थित था, इस बार क्या किया, इस बार टप्पा थोड़ा सा आगे फेंका और बल्लेबाज ने पुल करने गए थे, लेकिन जो टाइमिंग है वो उतना खासा नहीं हो चुका है। वो फील्डर उपस्थित था बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में, शानदार कैच लिया और बड़ी मछली जाल में फंस गई। आकाश पाटिल चले बैक टू द पवेलियन। झटका लगा और इसी के साथ 15 रन की दमदार पारी समाप्त हो गई। तेजेश भोईर जिन्होंने इस बार देखा जाए परिवर्तन लाया, 2 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज को शायद इस बार मैदान छोड़ के ड्रेसिंग रूम में आना पड़ा और नए बल्लेबाज इस बार देखा जाए अंकित अनिकेत जोशी। 3 गेंदों का खेल अभी तक बाकी है और इस बार देखा जाए तो शायद ये विकेट कीपर और इसी बीच शायद सिंगल मिली और सिंगल के साथ स्कोर गया है 22 के घर में। 2 गेंदों का खेल बाकी इस ओवर का, आने वाले 6 टोटल 8 गेंदों का खेल अभी तक बचा हुआ है। सूरज पाटी ये शायद गेंद सही है, क्योंकि सेठ बल्लेबाज जब मैदान पे था तब उन्होंने आक्रामक भूमिका निभाई थी, लेकिन जब आकाश के बाहर निकालने के बाद ये दोनों बल्लेबाज खासा परिणाम और चमत्कार रही दिखा रहे। और ये गई तारामंडल में और बिल्कुल देखिए बैनर के ऊपर गेंद इस बार देखा जाए जाकर टकरा गई है छक्का के चौम पर। अंपायर साहब क्या है
बाउंड्री, टप्पा पड़ने के बाद गेंद गई और चार रन के साथ स्कोर है 26। धन्यवाद। तो इस ओवर में 17 रन आए। तेजेश भोईर का ये ओवर थोड़ा सा महंगा साबित हुआ है। बची हुई 6 गेंदों का खेल बाकी है। स्कोर है 26 और आखिरी गेंदबाज आए, इस बार देखा जाए जयेश मात्रे, प्रिंस 11 क्रिकेट क्लब भेंडकल। इनके माध्यम से किया हुआ जबरदस्त आयोजन और पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच के हीरो आए हैं। बढ़िया उनकी हाइट है, रनअप भी बढ़िया है उनका। सामना कर रहे इस बार दाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर खेल रहे अनिकेत जोशी। धन्यवाद, धन्यवाद, शांत रहे। ठीक है, घड़ी के अंदर 3 बज चुके। बिस्किट भी आई, चाय भी आया, अच्छी बात है। क्या खेल गया? ए कैमरे वाले आए ना, सो जाएगा। एक बार फिर से डाइव जरूर किया है, डीप पॉइंट के ऊपर गेंद चली गई है और सिंगल चुराए। बढ़िया सेतरक्षण इस बार कोटनाका की तरफ से और सिंगल के साथ स्कोर गया है 27 के घर में 3 विकेट के स्थान पे। मरुआई विंधने टीम का स्कोर। 5 गेंदों के ऊपर बल्लेबाजों को कुछ ना कुछ जोर दिखाना है, आक्रामकता सिद्ध करनी है, क्योंकि ये स्लॉग हो रहे, ये डेथ हो रहे, या दया नहीं या माया नहीं। इस दायरे के अंदर ऑफसाइड के ऊपर इस बार देखा जाए 4 खिलाड़ी है और बाकी खिलाड़ी इस बार दूर है। एक लॉन्ग ऑन के ऊपर, एक डीप बैक और स्क्वायर लेग क्षेत्र में, एक इस बार देखा जाए मिड विकेट के ऊपर और एक शायद डीप स्क्वायर लेग के ऊपर। अरे ये नो बॉल का इशारा, गेंद किधर फेंकी? तो शायद अगली गेंद फ्री हिट है। और होता है कई बार संतुलन भी बिगड़ जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गेंदबाज ने गेंद जो फेंकी है वो जो पिच बाई साइड की पट्टी है जो उसकी लाइन आग जाते हैं उससे बाहर गई है। अरे यार हमें भी चाहिए दो। ये कई चुटकुले छोड़ना पड़ता है दोस्तों, तभी वो नवाड़े सा मजा आता है। ये तो सीरियस लोग अस्पताल में बहुत है। एक बार फिर से, और ये टप्पा पड़ने के बाद गेंद ज्यादा बाहर जा रही है। अपने पास गति है लेकिन अपने पास दिशा नहीं, तो आपकी दशा है। 2 गेंदें लगभग देखा जाए आपने खराब डाली और इस बार ये फ्री हिट है अगली गेंद। इसका मतलब इस 1 रन के साथ स्कोर गया है 29 के घर में। अब परिवर्तन लाना पड़ेगा इस बार देखा जाए शायद जयेश मात्रे को। अगली गेंद फ्री हिट की है और देखिए लॉन्ग ऑन फील्डर भी जो हमारे इस बार कोट नाका किए वो कैमरे वालों को देख रहा है, क्योंकि कैमरे वाले मुझे लग रहा है कि शायद उनका बैठने का स्टैमिना भी बहुत है। पतला है लेकिन वो गर्म भी है। बिल्कुल, चलते एक बार फिर से मैदान के ऊपर। और इस बार एलिवेशन मामला बनेगा फ्री डे। और जानते इस बार देखा जाए केदार को पता है कि ये फ्री हिट है। कैच तो पकड़ लिया मगर सिंगल मिली और सिंगल के साथ स्कोर गया है 30 के घर में। अभी तक बची हुई मुझे लग रहा 4 गेंदों का खेल बाकी है और 4 गेंदों में मरुआई विंधने के बल्लेबाज कितने रन इकट्ठा करेंगे देखना पड़ेगा। अगर एक दो छक्के आ सकते तो हौसला और ऊंचा हो सकता है, मगर ये गेंदबाज मुझे लगता है रोकेंगे ऐसा लग रहा है।
नहीं नहीं इसकी जो लाइंथ लेंथ लगभग देखा जाए मुझे लग रहा है खराब ही बिल्कुल, तो इसी बीच शायद ज्यादा ही गेंद बाहर गई है। अंपायर संदीप पाटिल साहब उन्हें कुछ बता रहे और इस एक रन के साथ स्कोर जाता है 31 के घर में। और डीजे वाले का चेहरा भी देखिए काफी खूबसूरत है, लगता है शायद व्हाट्सएप के ऊपर किसी से चैटिंग की होगी इसीलिए लगभग का चेहरा खुश है। उस स्कूल के हम हेडमास्टर थे लेकिन हम फेल हो गए, आप मुझे लग रहा है पास हो जाए ये उम्मीद कहता हूं, लेकिन चलते एक बार फिर से मैदान के ऊपर। और एक बार हवा में लॉब किया है, ओ देखिए शॉर्ट कवर के ऊपर खिलाड़ी तैनात है ऑफसाइड के ऊपर, लिया कैच और विकेट नंबर या शायद मुझे लग रहा है चौथा ड्रेसिंग रूम में अनिकेत जोशी आ रहे वापस दो रन बना के, सफलता मिली इस बार जयेश मात्रे को और शायद टीम का स्कोर 30-4। धन्यवाद मास्टर, स्कोर है मरुआई विंधने टीम का। मैं 30 बोला था क्योंकि यहाँ 30 लिखा था, उसके बाद नवाले साहब जी ने कह दिया कि 31 स्कोर है तो 31 स्कोर लॉस ऑफ 4। नहीं नहीं इस बार क्या हो रहा है मालूम है क्या, जो ये जो जयेश गेंदबाजी कर रहे वो जयेश की जो लाइन थे वो डाल रहा है लेकिन अंदर नहीं गेंद आ रही, गेंद ज्यादा वो बाहर डाल रहा है, उसके बाद फिर गेंद काटा बदलती है और ज्यादा बाहर जाती है। इसका मतलब टप्पा है ना वो दिशा में नहीं है, अचूकता नहीं है, सटीकता नहीं इस गेंद में, प्रेशर उनके ऊपर ज्यादा आया है। वाइड ज्यादा आ रहा है लेकिन बड़े शॉट नहीं आ रहे विंधने के बल्ले से। मुझे लग रहा है कि ये परिवर्तन ला रहा है, अगर यहाँ जयेश की कई गेंदें दो तीन वाइड नहीं जाती तो बेहतर मजा होता, मगर इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं, स्कोर है 32 चार विकेट के नुकसान पे। और कब तक मुझे लग रहा है कि बल्लेबाज अगर ऐसे ही खेलते रहेंगे जो स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज खेल रहे, सूरज पाटिल वो वन डाउन के रूप में गए और इस बार बेहतरीन बॉल फेंकी है और इस बार विकेट कीपर गेंद को ना पकड़ सके, लेग बाई का इशारा आया मगर इस सिंगल के साथ स्कोर जाता है 33 के घर में। अगर इस ओवर में जयेश मात्रे अगर कई चार उन्होंने वाइड डाले, अगर वो नहीं डालते शायद मुझे लग रहा है तो शायद ये ओवर जल्दी खत्म होने वाला था, लेकिन उनकी दिशा खराब हो गई और अंतिम गेंद शेष सूरज और बस इस बार देखा हवा में जरूर गेंद बड़ी, इस बार देखा जाए शानदार एफर्ट दिखाया था मगर मामला बनेगा नहीं बल्लेबाज इस बार देखा जाए, लेकिन अंपायर की उंगली इस बार आसमान में क्योंकि लगभग देखा झटका लगा विकेट नंबर शायद या पांचवा ड्रेसिंग रूम में आता हुआ, एक ही रन मिली मरुआई विंधने टीम का स्कोर है 34 और जीतने के लिए इस बार देखा जाए शायद आर एस कोटनाका टीम को 35 रन की जरूरत है 24 गेंदों में। खेल
धन्यवाद। बिल्कुल अभी चौबे और चौबे की हैट्रिक या छक्कों की हैट्रिक के लिए केगांव टीम के लिए, माफ कीजिए कोटनगर टीम को शायद 500 रुपए का इनाम है इस बार देखा जाए सिंध साहब इनकी तरफ से। टोटल स्कोर पहुंचे इस बार 34। जीतने के लिए आरएस कोटनगर टीम को 35 रन की जरूरत है। तो इस बार हम थोड़े से रेस्ट लेते हैं, मिलेंगे अगले इनिंग के लिए। तब तक आगे का हाल सुनाने के लिए एक बार फिर से माइक्रोफोन के ऊपर आ रहे गणेश जी गावंड आ रहे। हेलो, तो तमाम दर्शकों का स्वागत करना चाहेंगे। अब टी ब्रेक हो चुका है और टी का काम यानी कि चाय देने का काम अमृत तुल्य पेय सागर हमारे मुख्य आयोजककर्ता देते हुए। सागर, इससे बड़ा पुण्य आपको कुछ नहीं मिलेगा। जोरदार तालियां बजाकर सागर का स्वागत करें दोस्तों। स्वैग से स्वागत होना चाहिए क्योंकि अमृत तुल्य पेय सागर यहाँ पर संदेश, इससे बड़ी चीज इस समय में कुछ नहीं है। सागर ठाकुर के माध्यम से और मुख्य आयोजककर्ताओं के माध्यम से लजीज खाना मिला, तो उनका भी स्वागत। बलिराम जी नवाले देख रहे कि 35 रनों का टारगेट 24 गेंदों में, इस कौन सा ऐसा गेंदबाज है कि ये रन बचाएगा। डिफेंसिव स्कोर शायद आप जानते हैं, यहाँ पर शबनम गिर चुके हैं और बिल्कुल जैसे खाना बजेगा देखेंगे आखिर, जैसे जैसे हालात आगे बढ़ते जाएंगे हम ये भी करेंगे। इस बीच बल्लेबाजी के लिए उतर चुके हैं तेजस भोईर और केदार भोईर। अगर फील्डिंग अच्छी होती है, लेकिन अगर गेंदबाज अच्छे काम करेंगे उसके बाद फील्डिंग अच्छी नहीं होगी तो तकलीफ। फील्डिंग अच्छी होनी जरूरी होती है इस समय में। यहाँ पर गेंदबाजी मार्ग पर का पहली गेंदबाज टीम के जेन्युइन ऑलराउंडर बन चुके हैं नीलेश पाटिल। नीलेश पाटिल इस बार बॉलिंग मार्ग पर आते हुए गेंदबाजी के लिए तैयार। गेंदबाज नीलेश और बल्लेबाजी के लिए प्रारंभिक सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी तेजस भोईर। 35 रनों का टारगेट देखा जाएगा यहाँ पर इस समय में। 9 की रिक्वायर्ड रन से रन बनाने होंगे। इस रनों को किस तरीके से पीछा किया जाता आने वाले वक्त के साथ। आरएस कोटना का टीम के सलामी बल्लेबाज राघोबा देव का आशीर्वाद लेकर उतरती हुई नजर आ रही है आरएस कोटना का टीम। बिल्कुल, और आने वाले 28 जनवरी महाजल्लोष रहेगा, गणपति बाप्पा का बिल्कुल आगमन रहेगा। आगमन 16-26 जनवरी के दिन रहेगा। और पहली गेंद के ऊपर बल्लेबाज ने दिखाया आसमान और कहा आप देखिए आपकी धुलाई पिटाई चालू करेंगे, यहां से गगनचुंबी चेरन आगाज। धन्यवाद, बिल्कुल परशा और आर्ची। वैसे हमारे डीजे मास्टर बिल्कुल परशा का काम करते हो, आर्ची को घुमाने के लिए मॉल में लेकर जाते हैं। और थर्ड अंपायर की मांग, थर्ड अंपायर की मांग रोमेश ठाकुर मुख्य आयोजककर्ता। इस अंपायर के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। लगातार 3 दिन बगैर कुछ बातचीत करे पूरी रात ये काम करते हुए नजर आ रहे, बगैर कुछ थके हुए।
बगैर कुछ बातचीत करते हुए या अंपायरिंग का काम करते हुए दोस्तों आप क्रिकेट काफी बढ़िया होता। पहली गेंद के ऊपर तेजस भोई ने आसमान दिखाया। इस समय में आरएस कोटना का टीम शायद 10 से ज्यादा सेमीफाइनल हार चुकी है, लेकिन नाइट टूर्नामेंट में क्या प्रदर्शन। ये देखिए बाहरी किनारा नीलेश पाटिल ने की गई है वापसी, गेंदबाजी में वापसी करनी होगी। देखिए एक छक्का लगने के बाद ज्यादा प्रेशराइज नहीं होना चाहिए, गेंदबाजी सही तरीके से फ्री माइंड के साथ अगर करते हैं तो दबाव अपने आप रिलीज होता जाएगा। टीम का टोटल 6 रन बन चुका है। ये देखिए एक और अंदर आती हुई गेंद, यहां पर बाहरी किनारा लगा विकेट कीपर के दस्तानों में, यहां से पहले विकेट का बतान। धन्यवाद धन्यवाद तेजस के लिए जोरदार तालियां। पहली गेंद के ऊपर छक्के के साथ आगाज किया और 6 रनों का योगदान देकर 3 गेंदों का सामना किया पैवेलियन में आते हुए। 35 रनों का पीछा करना है, यानी कि 6 रन अगर काटे जाए तो 29 रनों की आवश्यकता। अब नए बल्लेबाज मिलिंद भोईर अनुभवी खिलाड़ी है, एक्सपीरियंस इनके पास है और एक्सपीरियंस के साथ कई मुकाबले इन्होंने जितवा के दिए आरएस कोटना का टीम के लिए। दोनों भी उरन तहसील की नामचीन टीम है। एक है मरुआई विंधने बनाम आरएस कोटना का। शुरुआती के दरमियान काफी बढ़िया किफायतमंद खेल कोटना का टीम की तरफ से हुआ, लेकिन विंधने टीम हार मानने वालों से नहीं है दोस्तों, बिल्कुल घुटने टेकने वाले में से नहीं है। गेंदबाजी के लिए देखिए वापसी करते हुए, वापसी का बिगुल गेंदबाज नीलेश पाटिल ने बजाया जा चुका है उनके माध्यम से। स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज तैयार। ये देखिए कारपेट के सहारे गेंद को मोड़ दिया है, गेंद यहां पर फरार होती हुई बाउंड्री लाइन का दर्शन लेने के लिए अंपायर का इशारा। इट इज अ 4 रन गणपतीचा राजा कोटना क्याचा उरण चले है भारी, राजा कोटना क्याचा उरण चले है भारी। धन्यवाद धन्यवाद उरण का, बिल्कुल कोटनागे का गणपति बाप्पा, बिल्कुल ये 26 जनवरी जल्लोस रहेगा इस गणपति बाप्पा का, महाजल्लोस रहता है दोस्तों। इस बार आके आकर बल्ला घुमाने की कोशिश, लेकिन अंपायर का इशारा, इट इज अ वाइड बॉल। अतिरिक्त रन मिलती हुए यहां से अब तकलीफ ही बढ़ती हुई नजर आ रही है, मुकाबले में कुछ भी हो सकता है, हरकतें बदलती हुई नजर आ रही है, पलक झपकते ही मुकाबला बदल सकता है। इस समय में देखिए 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, यहां पर विंधने के समर्थकों की मायूस चेहरे, लेकिन मायूस चेहरे कभी भी हंसी में बदल सकते है, क्योंकि क्रिकेट का खेल दोस्तों किसी की जागीर नहीं है, क्रिकेट इज अ जेंटलमैन गेम कहा जाता है और ये जेंटलमैन खेल दिखाना होगा, क्योंकि ये खेल, इस खेल से इज्जत शौहरत नाम रुतबा गाड़ी बंगला सब कुछ मिलता है। ये देखिए यहां पर तेज तर्रार गेंद की गई थी, शरीर से सटकर गेंदबाजी करते हुए और यहां से डॉट बॉल। पहले ओवर में देखिए आक्रमण किया पावर प्ले के, अभी तक 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, ज्यादा कुछ तक यहां पर करने की जरूरत नहीं है बल्लेबाजों को, सहमे से बल्लेबाजी भी करते हैं तो रनों का पीछा। 19 गेंदे 24 रनों की अभी तक आवश्यकता, 11 रन 1 विकेट, नेल्सन अगड़ा तैयार हो चुका है। रिवर्स स्ट्रोक खेलने की कोशिश, शरीर से छटकर गेंद भी जरूर की थी, लेकिन बल्लेबाजों ने 1 रन चुराए। इसी 1 रन के साथ टीम का टोटल 1 से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहली ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद दीजिए हमारे विशेष हसीन है।
दर्शक भी देख रहे हैं मजा उठाने में या मजा उठाते हुए नजर आ रहे हैं, मजा होना चाहिए, कुछ ऐसे हंसी मजाक वाले चुटकुले आने जरूरी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बड़ी बड़ी श्रृंखला रहती है और गेंदबाजी के लिए सूरज पाटिल। विनायक क्या चाहिए क्या आपको, चाय नहीं, इधर से नली से देते हैं हम तेरे को, देंगे। ओ, कारपेट के सहारे गेंद को मोड़ दिया, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में है, इस गेंद को उठाए दूसरे रन के लिए बल्ले, दूसरे रन के लिए अंपायर की उंगली आसमान में, यहां से देखिए मुकाबले में एक और यूटर्न, एक बड़ा बल्लेबाज मैदान से बाहर। धन्यवाद धन्यवाद विनायक, तूने चाय मांगा ये विकेट देकर लिया, क्या किया भाई, किया क्या। विंधने टीम के अब हौसले बुलंद हो चुके हैं, लेकिन एक और टीम का और थर्ड अंपायर चाहिए। क्रिकेट में एक गलती बाहर कर देती है, ये ध्यान में रखो, जीत की उम्मीद लेकर मायूस चेहरा जरूर है लेकिन मायूस नहीं, सामने बल्लेबाज तगड़े हैं, लेकिन केदार बोईर ऐसा खिलाड़ी है जो मुकाबले में यूटर्न लाने की क्षमता उनमें है। लेकिन इस समय में टीम का टोटल आगे बढ़ता हुआ हमारे स्कोरर बताएंगे कि 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। ओए डीजे क्या डग मार रहा है, क्या हुआ उमंग, किसको, मेरे को लगा अलग कुछ है उसमें। आहा, क्या देखिए सुविधा देखिए हमारे, और इसी बीच देखिए यहां पर एक रन चुराई, इसी एक रन के साथ टीम का टोटल आगे बढ़ता हुआ 14 रन। दारावे क्रिकेट टीम के कप्तान और साई क्रिकेट टीम के कप्तान आप यहां हमारे हमारे पैवेलियन कक्ष में आइए बगैर टाइम पास के साथ, अजय 74 दारावे और गावदेवी साई क्रिकेट टीम के कप्तान आइए। इस बार गेंदबाजी के लिए तैयार सूरज पाटिल, राउंड की एक विकेट जरूर मिली थी महत्वपूर्ण। इस बार देखिए गेंद को उड़ा दिया है, गेंद एक्स्ट्रा कवर रीजन में, फील्डर तैनात और यहां पर बल्लेबाज के पारी का हुआ अंत। मैं तुझसे मिलने आ जाऊं क्या, न बोल मैं हल्की बजाओ क्या, मैं तुझसे मिलने आ जाऊं क्या, न बोल मैं हल्की बजाओ क्या। आप देखिए मुकाबले में यू टर्न आता हुआ यहां से ऑन द वे लाइन क्रॉस करे बगैर टाइम पास के साथ, देखिए टाइम पास वक्त की अहमियत के साथ खेले, क्योंकि जब हम हरदम कहते हैं वक्त अगर मुंह फेरे ना तो शेर को भी कुत्ते घेर लेते हैं, ध्यान में रखो। ऑन द वे लाइन क्रॉस करनी हमारे आयोजक करता हो, सख्त नियमों का पालन करते हुए टीम का टोटल 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, बड़ा बड़ा स्ट्रोक जरूर। आने वाली 15 गेंदे 21 रनों की, रनों और गेंदों का फासला देखा जाए तो संदेश 6 रनों का फासला है यह फासला, लेकिन विकेट महत्वपूर्ण गिर चुके हैं। एक महत्वपूर्ण विकेट जरूर है, मिलिंद भोईर जैसा बल्लेबाज अभी तक है, उन्होंने मुझे याद है जेएनपीटी के मैदान के ऊपर नायाब पारी, देखिए कीमत बहुत महत्वपूर्ण, टाइम इज मोर देन मनी।
सुबह के बिल्कुल पेपर को पूछिए क्या कीमत होती है समय की। ये देखिए हाल के हाथों से गेंद को ग्लांस किया पॉइंट रीजन में, अब टोटल दबाव में आता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, और यहां से ये देखिए 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर अब अग्नि परीक्षा। पहले कोटना का टीम के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की, अब यहां से अग्नि परीक्षा रहती हुई नजर है मिडल ऑर्डर में कितनी ताकत है क्षमता है। देखिए दो बल्लेबाज, यानी कि हम हरदम कहते हैं क्या मुर्गा बांग नहीं देगा तो सूरज उगेगा नहीं, क्या उगेगा जरूर, वैसे ही करे आप, वैसे करना होगा। इस बार गेंदबाजी के लिए सूरज कसावट भरी गेंदबाजी, अभी तक उन्होंने 3 रन खर्च करके 2 सफलता, 1 रन आउट का, 1 कैच आउट, यानी कि 3 विकेट, 14 गेंदे, 20 रनों का समीकरण, अभी नहीं तो कभी नहीं। इन दोनों भी बल्लेबाजों को मैदान के ऊपर अगर रुक कर खेलते हैं, थम पर खेलते हैं, तो शायद मुकाबला जीत के और प्रस्थान हो सकता है। लेकिन विंधने टीम के गेंदबाज हावी होकर गेंदबाजी, कसावट भरी गेंदबाजी, रन जैसे पहले ओवर में बह रहे थे इस ओवर में पूरी तरीके से बांध लगाया है। ये देखिए बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश में, डॉट बॉल, दबाव दबाव और दबाव, आरएस कोटना का क्रिकेट टीम के ऊपर आता हुआ। पहले शुरुआती के दरमियान मुकाबले कोटना का टीम ने पहले बल्लेबाजी करके गेंदबाजी करके जितवाए थे, लेकिन अब उल्टा, ये अब उल्टा सवाल, उल्टी गिनती चालू होती हुए, लेकिन उल्टी गिनती से सरल सीधे तरीके से बिल्कुल आ सकती है गिनती। ये काम करना होगा इन बल्लेबाजों को, बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, यहां से जोरदार अपील और अंपायर का इशारा, लेग बाइस की मिलती हुई अतिरिक्त 1 रन, टीम का टोटल अब 2 ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन, आने वाली 12 गेंदे 19 रनों की आवश्यकता, 12 गेंदे 19 रन, रन बन भी सकते। पहले मुकाबले में बिल्कुल विंधने टीम ने 17 रन इकट्ठा किए थे, ये काम करना होगा इस समय में। इन 12 गेंदे 19 रन, देखिए दिलों की धड़कने तेज करने वाला मुकाबला, जीत का जश्न कौन सी टीम मनाएगी, हार का मातम कौन सी टीम, इसमें से जो टीम जीतेगी वो सुपर 3 के लिए क्वालिफाई रहेगी, कौन सी टीम रहेगी इस प्रिंस 11 ट्रॉफी पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों से लिखेगी। दोस्तों मेहनत करनी होगी इस मैदान के अंदर, यह मेहनत करेगा कौन यहाँ पर देखना होगा, क्या करेगा मिलिन भोईर, क्या करेगा बल्लेबाज विशाल पाटिल। प्रति छक्के के पीछे कोटनाका टीम के खिलाड़ियों को 100 रुपए का इनाम, संदेश पाटिल। इस समय में क्या होगा आने वाले वक्त जरूर बताएगा, सवाल जरूर। गेंदबाजी का तीसरा परिवर्तन, आकाश पाटिल पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच, पहले मैच के मैन ऑफ द मैच रह चुके हैं। संदेश पाटिल इनकी तरफ से प्रति चौके के पीछे 50 रुपए इनामी राशि बढ़नी चाहिए, अंतिम क्षण आ चुका है, लेकिन इस बार गेंदबाजी में तैयार आकाश पाटिल दौड़ते हुए, विशाल ने हवा में गेंद खेला है, फील्डर तैनात जरूर है और यहां से जीवन दान मिलता हुआ, एक गलती मुकाबले से बाहर करते हुए। दोस्तों क्या जैसा ही छोड़ा था, हमने कहा था 1983 में अगर कपिल देव निखल ने अगर विवल रिचर्स का कैच नहीं जीत लेते तो शायद वर्ल्ड कप कभी जीतते नहीं। 1999 के वर्ल्ड कप में बिल्कुल अगर वो कैच हर्ष गिब्स ने छोड़ा नहीं होता तो ऑस्ट्रेलिया टीम चैंपियन नहीं। उसके बाद क्या कमाल का खेल खेला था स्टीवा ने, और वैसा ही काम कर दिखाना होगा। इस समय में जीवन दान मिल चुका है, जीवन दान मिलना यानी कि जख्मी शेर को जंगल में छोड़ने वाली बात। यहां पर विशाल को मिलता हुआ जीवन दान, यहां से आकाश पाटिल गेंदबाजी मार्ग पर अब मारे का रोक चेंज करते हुए ओवर द विकेट मिलिन भोईर स्ट्राइक में आते हुए व्यक्तिगत 7 रनों का योगदान देते हुए उन्होंने अभी तक 6 गेंदों का सामना किया। जितनी देर तक मिलिन भोईर मैदान के ऊपर डटे रहेंगे मुकाबला आसानी के साथ बनाएगी ये टीम। ये देखिए काफी तेज गति की गेंद और काफी बढ़िया तरीके से तेज गति की डाली हुई, समझ नहीं पा रहे सामने की डगआउट में हमारे खिलाड़ी है, कृपया बैठे, आपकी हार्ट बीट्स बढ़ती हुई जरूर नजर आ रही है।
तो यहां से देखिए अब आने वाले 10 गेंदे 18 रन मुकाबला बनाने के लिए दिमागी पैतरे होते हैं, शांत दिमाग रखना होगा क्योंकि फ्रस्ट्रेशन से मुकाबले जीते नहीं जाते। इस समय में गेंदबाजी के लिए गेंदबाज आकाश पाटिल हावी होकर करते हुए गेंदबाजी, रिवर्स स्ट्रोक कारगर साबित, ले देखिए दोधारी तलवार, लगी तो आबाद नहीं तो बर्बाद, आबाद हो बैठे बल्लेबाज मिलिंद भोईर और बर्बाद हो बैठे गेंदबाज आकाश पाटिल। धन्यवाद 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 डीजे, ये आवाज किसका था मालूम है क्या? बिल्कुल अमित मात्रे मैन फ्रॉम जोहे पेंट। इस चौके के लिए 100 रुपए का इनाम अमेश पाटिल कामेश पाटिल इनकी तरफ से। बिल्कुल धन्यवाद धन्यवाद, पैसों की इनामी राशि आप बढ़ाइए, आप शायद चक्री पर पैसा जीता है आपने। बिल्कुल बिल्कुल ये मजाक है, हंसी मजाक होना चाहिए। बिल्कुल तो इस बार अब 9 गेंदे और 14 रनों की आवश्यकता, क्या होगा मिलिंद भोईर स्ट्राइक एंड के ऊपर, ये देखिए अभी के शेप में गेंद को खेला पॉइंट और एक यहां पर के बीच में डीप पॉइंट रिजम में बीस फील्डिंग, बल्लेबाजों ने 2 रन चुराए। ये देखिए जैसे ये चौवा आया 2 रन आया, ये देखिए कोटनाका टीम के समर्थकों से तालियों के बौछार के साथ स्वागत किया जा रहा है, ये हौसला ये बुलंदी पावर लगते हुए। अब गेंदे बची है 8 और जीत के लिए 12 रनों की आवश्यकता, 8 गेंदे 12 रन, टीम का टोटल 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। हमारे मुख्य आयोजक देखिए लंकेश दादा ठाकुर और अजीत दादा ठाकुर पूरे यहाँ पर आंखों में तेल डालकर इस मुकाबले को बेहतरीन बनाने का काम है, उनकी मेहनत है। दोस्तों कहते हैं जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और उस राख से बनती हुई बारूद को लंकेश ठाकुर और अजीत ठाकुर कहते हैं। दोस्तों बिल्कुल 3:30 बजकर जा चुके हैं, फिर भी 200 से ज्यादा दर्शक लाइव व्यूअर्स, कई हमारे चाहने वाले संदेश, कई आपके चाहने वाले, कई किसी की दिलरुबा भी होगी वो मुकाबले देखी देख रही होगी, इस बार देख रही है। मिलिंद भोईर ने गेंद को खेला इस बार लॉन्ग ऑफ रीजन में, 1 रन दो पूरा, 1 ही रन मिलती हुई, इस एक ही 1 रन के साथ टीम का टोटल आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। धीमे धीमे ये बल्लेबाज देखिए मारते कम है और घसीटते ज्यादा है, यहां पर 7 गेंदे अभी तक बाकी 24 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, जीत के लिए 7 गेंदे 11 रन। इस गेंद के ऊपर क्या होगा, क्या विशाल पाटिल यहां पर आक्रामक स्ट्रोक खेलेंगे या स्ट्राइक रोटेट करेंगे, इनके दिमाग में क्या है ये तभी पता चलेगा जब गेंद गिरेगी। लेकिन यहां पर बुलंदी पावर लेकर विंधने टीम भी यहां पर मुकाबला छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, हर एक गांव के आत्मसम्मान की यह लड़ाई चलती हुई है और लड़ाई और जंग जीतने के लिए। जोरदार अपील, लेकिन अपील को अंपायर ने नकारा और 1 रन पूरा किया, इसी 1 रन के साथ टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 25, अब 6 गेंदे 10 रनों का इक्वेशन। साई टीम के गांवदेवी, साई टीम के कप्तान राकेश मोकल और दारावी टीम के कप्तान सचिन नाइक तुरंत आइए आप पैवेलियन कक्ष में। देखिए सीधे हमारे ब्लैक स्क्रीन के पास जो 4-व्हीलर है लाइट चालू ना करे क्योंकि बल्लेबाज को तकलीफ होती हुई नजर आ रही है। तो बिल्कुल अब हमारे दोस्त प्रियाल पाटिल मोटी जोई इनकी तरफ से, ये मुकाबला हाई वोल्टेज हो चुका है इसलिए उनके लिए इस दोनों टीमों के लिए शुभकामनाएं आ चुकी है, श्रृंखला के लिए शुभकामनाएं प्रति छक्के के पीछे। बिल्कुल
राघोबा देव के इन आरियस कोटना का टीम के खिलाड़ियों के लिए 200 रुपए, छक्के के लिए 200 रुपया और चौवे के लिए 100 रुपया बढ़ा दिया है इनामी राशि। संदेश पाटिल, और मुकाबला अगर जीतते हैं तो क्या? संदेश पाटिल, मुकाबला अगर जीतते हैं तो क्या पार्टी? बिल्कुल। ओहो, 6 गेंदे 10 रन, ये देखिए अब यहां से गेंदबाजी के लिए आखिरी गेंदबाज सूरज नवाले। पहली गेंद डॉट बॉल, दबाव दबाव और दबाव, क्या होगा? डगआउट में से आवाज ना दीजिए। 5 गेंदे 10 रन, क्या होगा क्या नहीं, दिलों की धड़कने तेज करने वाला मुकाबला दोस्तों, पैसा वसूल मैच दोस्तों, और प्रिंस इलेवन 2020 का ये बहुत बड़ा जश्न नजर आ रहा है। अरुण शिंदे, अगर 2 छक्के या 2 चौवे लगते तो अरुण शिंदे साहब इनके तरफ से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा इस बार। विशाल गेंदबाजी के लिए सूरज नवाले, बड़ा स्ट्रोक हवा में ज्यादा देरी तक, इस बार सूरज नवाले। ओहो, क्या कमाल का कैच, इस श्रृंखला का बाला स्पोर्ट का A1 क्वालिटी का कैच, इस श्रृंखला का सबसे बढ़िया कैच। धन्यवाद। आप यहाँ पर देखिए मुकाबला, एक अकेले केदार भोरी जाने के बाद क्या यहाँ पर तबीयत बिगड़ती हुई नजर आ रही है आरियस कोटना का। साई टीम के कप्तान आ चुके, दारावे टीम के कप्तान अमित नाइक आइए। तो आने वाली 4 गेंदे दोस्तों, इक्वेशन 10 रनों का। ये देखिए हमारे कैमरामैन के स्टैंड के नीचे जो दर्शक बैठा है, कृपया करके वहां से खड़े हो, तकलीफ हो रही है। और बिल्कुल संदेश पाटिल, आप इनामी राशि बढ़ते हुए छक्के के लिए 300 और चौवे के लिए 200, और बिल्कुल शिंदे साहब इनकी तरफ से 500, लगातार 2 छक्के 2 छक्के। अब देखना होगा दोस्तों, पैसा वसूल, दिलों की धड़कने तेज करने वाला मुकाबला। अगर मुकाबला पसंद आया हो तो सभी दर्शक तालियां बजाइए, काफी रोचक मुकाबला। यहां से देखिए किसको हार्ट अटैक, दिल की बीमारी है तो मुकाबला ना देखे तो ही अच्छा है। रिवर्स स्ट्रोक, एक ही रन दूसरे रन के लिए पलटे क्या नहीं, ये देखिए रिवर्स स्ट्रोक के लिए सिग्नेचर स्ट्रोक उनका था, वहां पर फील्डर तैनात किया, नहीं तो नंबर 4 के लिए गेंद जाती। लेकिन यहां से देखिए आने वाली अब गेंदे बाकी है 3, आवश्यकता है 9 की। क्या सूरज नवाली का मैजिकल स्पेल, 3 गेंदे 9 रनों की आवश्यकता, एक बड़ा हिट मुकाबले में वापसी का दरवाजा खोल सकता है। क्या ये बड़ा हिट लगाएंगे ये बल्लेबाज, देखना होगा। इस समय में करना ही होगा, हम हरदम कहते हैं। अरुण शिंदे इनके तरफ से 1 छक्का भी लगते हैं तो 500 रुपए। आकाश स्ट्राइक एंड के ऊपर, ये देखिए जोरदार अपील को अंपायर ने नकारा, और यहां से देखिए दबाव दबाव और दबाव, मुकाबला कहां से कहां, मुकाबला गिरगिट की तरह रंग बदलता हुआ नजर आ रहा है। आने वाली 2 गेंदे 8 रनों की आवश्यकता, मैंने कहा था क्रिकेट हल्के में लेने वाला खेल नहीं है, जेंटलमैन गेम कहा जाता है क्रिकेट को, क्रिकेट से सब कुछ मिलता है, इज्जत शौहरत नाम रुतबा गाड़ी बंगला कंपल्सरी चेसिंग। 2 गेंदे 8 रन, 1 छक्का भी लगता है तो 1000 रुपए। अरुण शिंदे इनके माध्यम से दिया जाएगा। 2 गेंदे 8 रन, 1 चौवे के लिए 300 रुपए संदेश पाटिल, और छक्के के लिए
500 बिल्कुल अरुण शिंदे। ओ बड़ा स्ट्रोक, इस बार गेंद लॉन्ग ऑन क्षेत्र में खेला गया। इस गेंद को उठाए फेंके बल्लेबाजों ने, अब दो रन चुराए। अब आखिरी गेंद के तीसरे रन के लिए पलटे, क्या तीसरी रन होगी पूरी? यहां से देखिए क्या हुआ, क्या ये छक्का लगाएंगे? एक गेंद और छह रनों की आवश्यकता, एक गेंद छह रन। बिल्कुल मुकाबला देखिए दोस्तों, कोई भी टीम जीते कोई भी टीम हारे अंदर कोई भी दर्शक इंटर नहीं होगा। जो मजा करनी है वो आपको बाहर ही करनी है, आपको डीजे का गाना लगाकर। हम डीजे विशेष हमारा तैयार है और कल उनकी शायद मीटिंग है मॉल में। विशेष क्या है, गड़बड़ मुकाबले में है। अब एक गेंद छह रनों की आवश्यकता, एक गेंद छह रन दोस्तों। यहां पर 2000, एक छक्का लगता है तो 2000 रुपए का इनाम। अरुण शिंदे संदेश पटेल 2500 रुपए, राउंड फिगर 3000 करे। क्योंकि पैसे की लालच में अगर छक्का बैठता है तो फायदा आपका ही होता है होगा। एक गेंद दोस्तों छह रनों की आवश्यकता, इंटर ना हो। यहां पर सामने नाचे, कैमरा आपके ऊपर जूम किया जाएगा। एक गेंद छह रनों की आवश्यकता दोस्तों, कौन सी टीम जीत का जश्न मनाएगी, कौन सी टीम हार का मातम? दोस्तों जावेद मेहंदाद ने छक्का लगाया था, याद होगा, चेतन शर्मा के गेंद के ऊपर, और वो छक्के की याद दिलाऊंगा। एक गेंद छह रनों की आवश्यकता, वक्त जाया ना करे। देखिए विंधने टीम स्पीड अप करे अंपायर्स, मुकाबला और दो मुकाबले खेलने बाकी है। शायद हमारे अंपायर दीपक जी पाटिल और गजानन पाटिल, इनके दिलों की धड़कने तेज, उनको कुछ दिल की बीमारी नहीं, मच्छी खाकर उनका बिल्कुल हार्ट साबित है। और एक गेंद छह रनों की आवश्यकता, बलराम जी नवाले, इनका चेहरा जैसे पहली गेंद के ऊपर छक्का लगा था उनका चेहरा बिल्कुल मुरझाए हुए फूल की तरह था, लेकिन जैसे एक गेंद में छक्का आए, अब छह रनों की आवश्यकता, उनका चेहरा गुलाब जैसा हो गया है। लेकिन कांटों पे से जाना होगा, क्योंकि हरदम कहते हैं कि उम्मीद सबसे की जाती है, ये उम्मीद बड़ी चीज होती है। और ये उम्मीद धीरज बोहिर ये काम कर सकते हैं, यहां से धीरज भगत कर सकते हैं। इस बार धीरज वो पारी याद करनी होगी जो लंबा छक्का इन्होंने जेएनपीटी के मैदान के ऊपर दागा था। इस समय आखिरी के चेहरों की मुकाबला पसंद, जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। ओहो, ये मुकाबला मरुआई विंधने क्रिकेट टीम जीत ली है। और डीजे विशेष बजाइए आप। एक